यही नदी है जो आगे जाता है महादेव घाट के लिए। महादेव घाट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, आप देख सकते हैं लबालब पानी भरा हुआ है गाइस। वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, अब यहाँ पे आ गया हूँ। और यहाँ पे देखिए नीचे सीढ़ी बना हुआ है, और इस पर देखिए पानी का जो स्तर, और इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। इधर देखिए नज़ारा कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। भाई साहब यहाँ पे वीडियो बना रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ललित वांगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ राजिम। अभी 3 से 4 दिन पहले लगातार यहाँ पे बारिश हुआ है, भिलाई में भी बारिश हुआ है, राजिम में भी बारिश हुआ है। कुछ लोगों का वीडियो मैंने देखा हुआ है और कुछ लोगों से मैंने बातचीत वगैरह भी किया, बतला रहे थे कि भैया वहाँ पे आप आइए और वीडियो बनाइए करके, क्योंकि वहाँ पे मतलब पानी बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है। तो आज हमको मौका मिलने वाला है और आज जा रहे हैं भैया और मैं। तो आज मैं भैया के घर में अभी कुछ देर बाद जाने वाला हूँ। अभी टाइम की मैं बात करूँ तो अभी सुबह के 9:25 हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं गाइस। तो अभी हम लोग पाटन पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अगर राइट साइड जाएंगे तो रानी तरह के लिए, लेकिन अपने को सीधा सीधा ही चलना है अभनपुर के लिए। तो अभनपुर होते हुए अपन निकलेंगे सीधा राजिम ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद चौक। पाटन सिटी का मैंने वैसे वीडियो बनाया, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको देख सकते हैं आप लोग। पाटन में क्या क्या चीज़ है आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। ये वाला जो सामने जो गार्डन बन रहा है वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ लगता है। पिछले दफ़ा जब मैं आया था पाटन सिटी का वीडियो बनाने के लिए तो चालू नहीं किया था। बाकी ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। तो अभी जस्ट हम पाटन से निकले हुए हैं और यहाँ पे देखो पूरे खेत खलिहान चालू हो गए हैं। अभी आप लोगों को पता ही है कि अभी खेती का समय है, अभी धान लगाने का समय स्टार्ट हो चुका है, सबका लग चुका है। कुछ कुछ का लोगों का अभी बचा हुआ है, जहाँ जहाँ पे पानी नहीं गिरा हुआ है उसे उसी जगह पर बचा हुआ है, बाकी तो ऐसा सब जगह लग चुका है। और ये जो धान बड़ा होगा ये कटाई होगा वही दिवाली के आसपास में ही होता है। जो 3 से 4 महीने का जो इन लोग खेती करते हैं किसान भाई लोग, उन लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। जून से चालू होता है, पूरा नवंबर दिसंबर तक जाता है। ये वाला जो ब्रिज देख रहे हैं वो पहले नहीं बना हुआ था, अभी हाल फिलहाल में ये बन चुका है। ये देखिए छोटा सा पुल था, ये वाला पुल था, ये देखिए नीचे में ये वाला पुल था, अभी ये बड़ा बन चुका है और चौड़ा भी कर दिया है। पता नहीं ये कौन सा ये नदी नाला जो भी है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है गाइस। तो यहाँ पे देखिए शिवलिंग बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत, जय शंकर भगवान। इन्हीं के जस्ट सामने में ये है ज्वाला माई मंदिर सोनपुर। यह नवरात्र के समय में अगर आपका आना होता है ना तो यहाँ पे भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा। इसका एक गेट इस तरफ भी है और ये देखिए छोटा सा मतलब तालाब ही मान के चलो, इसमें कमल के फूल खिले हुए थे उस टाइमिंग में, अभी तो नज़र ही नहीं आ रहा है। और यह है ग्राम पंचायत सोनपुर, पटन से होंगे लगभग 3 से 4 किलोमीटर के आसपास में ही होंगे। ये देखिए मस्त धान बहुत प्यारे लग रहा है गाइस। तो ये देखिए खूबसूरत सा मंदिर, यहाँ पर भी शिवलिंग है। और ये देखिए ये जो नदी है खारून नदी है, यही नदी है जो आगे जाता है महादेव घाट के लिए। महादेव घाट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, आप देख सकते हैं लबालब पानी भरा हुआ है। इसी तरह से आपका शिवनाथ नदी में भी पानी भरा होगा। जब भी इस रास्ते में आता हूँ ना तो इस रास्ते में ये यहाँ पर पानी कम नज़र आता है, लेकिन अभी बारिश का समय करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और ये वाला जो रूट लेके जाएगा सीधा सीधा अभनपुर के लिए, तो अभनपुर ज़्यादा दूर नहीं बचा हुआ है, लगभग 14-15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ से हैं गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। और पहले जब मैं आता था ऑफ सीजन में तो यहाँ पर पानी नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन अभी इस टाइमिंग में देखो कितना भरा हुआ है। अभी राजिम जा रहा हूँ, राजिम में भी महानदी स्वर्ण नदी और पैरी नदी का संगम स्थल है, वहाँ पे देखते हैं इस बार कैसा है। आज का जो मौसम बहुत ही प्यारा, यहाँ पे बहुत सारे गौ माताएँ हैं। चलिए थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, देखते हैं इस तरफ का एरिया। सामने में लिखा है जय माँ शीतलादाई, क्या बात है गाइस, आप लोग देख सकते हैं गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं पानी का स्तर क्या लग रहा है यार, पानी पानी नज़र आ रहा है गाइस। तो आप लोग देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। ये है आपका खारून नदी है, यही आगे जाता है इधर महादेव घाट के लिए। तो महादेव घाट में मतलब ज़बरदस्त भीड़ रहता ही है, यह गांव का एरिया है। अभी हम लोग निकले हुए हैं तरी घाट से, जस्ट इस साइड का ये नज़ारा आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। उस साइड भी मस्त पेड़ पौधे ही नज़र आ रहा है। और जैसे अभी कुछ दिन में और बारिश होगा ना तो देखना ये जो
ब्रिज बना हुआ है, इसके ऊपर से आने लगेंगे पानी। अभी तो नीचे से ही आ रहा है पानी, और वहाँ पे देखो मेन जो आपका पानी का जो स्पीड है वहीं पे पता चल रहा है। वहाँ पे मतलब भंवर भर रहा है और लोग नहाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मस्त ठंडा ठंडा हवाएं चल रहा है यहाँ पे। गाइस वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, अब यहाँ पे आ गया हूँ। और यहाँ पे देखिए नीचे सीढ़ी बना हुआ है, और इस पर देखिए पानी का जो स्तर और इस तरफ आप देख सकते हैं, वैसे तो पानी लबालब भरा हुआ है। वैसे कल तक पानी गिरा हुआ है, आज के डेट में पानी नहीं गिर रहा है। जैसे पानी और गिरेगा ना तो इसका जो लेवल है और बढ़ जाएगा, और बहुत ही प्यारा लग रहा है आप देख सकते हैं। यही चीज़ तो देखना था अपने को, जो बारिश में जो मज़ा लेना है इसी चीज़ को देखना है। ये देखिए चारों तरफ इस तरफ पूरा पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहा है। अपना गाड़ी वहाँ पे रखा हुआ है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है बहुत सारे गौ माता, और यादव भाई लेके जा रहा है बस के कारण से साइड होते जा रहे हैं पूरे गौ माता लोग। यहाँ पे कुछ बकरी भी है, ये सामने लिखा हुआ है पड़सुलेडी। और यहाँ पे है स्कूल के बच्चे, स्कूल से आ रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं। हाँ स्कूल से छूट रहे हैं मतलब घर ही जा रहे हैं। गाइस तो ये देखिए सुंदर सा यहाँ पे बना हुआ है, घर ही है या कुछ बना होगा, आइडिया नहीं है क्या बना हुआ है। यहाँ पे है अभनपुर लिखा हुआ है, अभनपुर मंडी 2 किलोमीटर, और क्रूद मंडी लिखा हुआ 23 किलोमीटर, धमतरी यहाँ से 48 किलोमीटर, इस साइड में है धमतरी, जगदलपुर 271 किलोमीटर। गाइस तो अभी ठीक ठाक बन गया है अभनपुर वाला रास्ता, से भीड़ भाड़ चालू हो गया है अभनपुर सिटी पहुँचते ही। और ये सामने में है बस स्टैंड, बस स्टैंड के पास में ही है अपना लखन होटल, और उन्हीं के बगल में एक और होटल है। ज़्यादातर हम लोग अभी तक लखन होटल में ही रुके हुए हैं, नाश्ता है या चाय अभी तक किए हैं, पूछता हूँ यहीं पे रोक के भैया जी को। गाइस तो ये रहा लखन होटल, यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पिए हुए हैं। और ये है आपका अभनपुर का बस स्टैंड, यहाँ पे आप बिल्कुल आइएगा घूमने के लिए। यहाँ पे आसपास में बहुत सारे पिकनिक स्पॉट भी है। हम जा रहे हैं अभनपुर से राजिम, और ये राजिम 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है अभनपुर से, या 20 किलोमीटर के आसपास में ही होंगे। उसके बाद अपन निकलेंगे गरियाबंद के लिए, देखते हैं गरियाबंद जाना हो पाता है कि नहीं हो पाता। वैसे तो प्लान में है कि गरियाबंद जाना ऐसा करके। अभनपुर से जो राजिम वाला जो रूट है ना, ये रूट आप लोग देख रहे हो हमेशा भीड़ भाड़ देखने को ही मिलेगा, क्योंकि राजिम जाना पड़ता है, और अभनपुर से राजिम के लिए बस भी जाता है, और रायपुर से शायद जाता है कि नहीं जाता है कन्फर्म नहीं है, बट अभनपुर से तो राजिम के लिए जाता है, राजिम से होते हुए गरियाबंद। जब मैं पाटन से अभनपुर आ रहा था तो रास्ते में खारून नदी मिला, जो कि तरीघाट से होते हुए आगे की ओर जा रहा है, उसमें पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा था, तो उसको मैंने आप लोग को दिखलाया है। और अभी देखते हैं राजिम में कैसा भरा हुआ है पानी। अभी 3-4 दिन पहले जब बारिश हुआ था बतला रहे थे कि बहुत ज़्यादा पानी आया था करके, बट अभी पानी का स्तर तो हो सकता है डाउन हो गया होगा, जाने के बाद ही पता चलेगा। ये है सामने में खूबसूरत सा ये मंदिर बना हुआ है, देखते हैं क्या? तो ये है हनुमान जी के मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान जी लिखा हुआ है। गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी लंबे लाइन लगे हुए है ट्रक की, पता नहीं सामने में क्या है, या वेट मशीन लगा होगा सामने में इसीलिए वेट करा रहे होंगे, देखते हैं क्या है यहाँ पे, लग तो रहा है तो अच्छा कोई गैरेज है, पता नहीं क्या चीज़ का है। राजिम मंडी यहाँ से है 1 किलोमीटर, महासमुंद मंडी 40 किलोमीटर, गरियाबंद है यहाँ से 46, राजीलोचन जो मंदिर है यहाँ से 3 किलोमीटर, और राजिम लिखा हुआ है 3 किलोमीटर, मेरा भारत महान बोर्ड पर लिखा हुआ है। राजिम चंपारण मेला स्थल बाईपास गरियाबंद मगर लोड, राइट साइड में है बस स्टैंड यहाँ का आपका राजिम का, ये है बस स्टैंड। अरे बाबा इतना धूल बहुत ज़्यादा।
तो गाइस आप लोग देख सकते हैं सामने में है ब्रिज बना हुआ है और ये रोड के किनारे पे कपड़े वगैरह के शॉप लगे हुए हैं और ये रहा आपका नदी। ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ है भाई और वो है लक्ष्मण झूला। वहाँ पे सामने में मंदिर भी है वो देखिए। यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रहा होगा कैमरे में बट मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। और इस साइड देखिए पानी का स्तर थोड़ा सा कम हो गया है अभी क्योंकि बारिश बंद हो गया इसलिए। गाइस तो ये देखिए पानी भरा हुआ है। अभी हम लोग आगे ना जाकर उस साइड के एरिया में जाएंगे जहाँ पर है कुलेश्वर महादेव का मंदिर है शायद मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे शंकर भगवान जी का यहाँ पे मंदिर है और वहीं पे है लक्ष्मण झूला, वहाँ पे चलते हैं। तो अपन यहीं से लेते हैं राइट, देखते हैं पीछे में गाड़ी नहीं आ रहा है। चलिए मैं मोड़ लेता हूँ और आप लोग को अच्छे से दिखलाएंगे। पानी वैसे भरा हुआ है बट अगर पानी गिरते रहता ना उस टाइमिंग में अगर आता ना तो और मज़ा आता। अभी थोड़ा पानी का स्तर कम हो गया है। यहाँ से अपन लेते हैं लेफ्ट और आप लोग को दिखलाते हैं। यहाँ पे मार्केट वगैरह भी होता है। चलिए सब्जी बाजार नवापारा। गाइस तो ये सामने में है सब्जी मार्केट लगा हुआ है यहाँ पर। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्मृति स्थल लोकार्पण स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा स्थापना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। दिनांक है 16/2/2022। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ से घूमकर इधर आया हूँ। और देखिए और उधर एक मंदिर भी है जहाँ पे मेला वगैरह भी होता है। और ये जो नदी पूरा दिखाई दे रहा है इसी में ही होता है मेला फरवरी के समय में, लेकिन अभी इस टाइमिंग में तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और वो रहा सामने लक्ष्मण झूला, एक मंदिर भी है वहाँ पे, कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर है वहाँ पे। देखते हैं जाना होता है कि नहीं हो पाता है। और बहुत ही प्यारा लग रहा है। कुछ लोग तो पैदल जा रहे हैं वहाँ पे लक्ष्मण झूला में। देखते हैं अगर हम लोग के पास समय मिला तो अपन लोग भी चलेंगे। बाइक से जाने के लिए वैसे इधर से जाना पड़ेगा बाइक के लिए। पिछले साल जब कुछ लोग आए हुए थे बतला रहे थे जहाँ पे हम लोग गए हुए थे सब्जी मार्केट, वहाँ पास में मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ था। मतलब मार्केट के अंदर में पानी घुस गया था। इस साइड ऊपर होकर के ज़्यादा पानी नहीं आया लेकिन उस तरफ में डाउन है इससे, तो इसलिए वहाँ पर पानी आ गया था। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए हम पहुँच चुके हैं और उस तरफ से हम लोग आए हुए वहाँ पर आपको फोरूपुर में दिखा रहा था। और ये पूरा ये मेला स्थल है वहाँ पे होता है मेला स्थल, कुछ मेला है वहाँ पे नहा रही है लक्ष्मण झूला की सर से अगर दिखने की इसको दिखाई दे रहा है। और चलिए आज से आप लोग को दिखाते हैं वहाँ पे फैमिली पहुँची हुए हैं जो कि फोटोग्राफ ले रहे थे। और जैसे बस पानी अभी भी बहुत ज़्यादा दिखती है और जो बना हुआ है ना उसके आर पार तो बिल्कुल जा ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। मछली भी गिर रहे वहाँ पे, मुझे दिखाई दिया यहाँ से बट कमरे में तो कैप्चर नहीं हो पाया। जैसे बाढ़ आता होगा ना पानी का जब स्तर बढ़ता होगा ना जो एरिया पूरा दिखाई दे रहा ना इसमें भी थोड़ा पानी आता होगा। और उधर का है तो बहुत ज़्यादा है। कभी देखते हैं अगर ऐसा मौका मिलता है ना तो जरूर आएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। इधर देखो नज़ारा कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताइएगा। तो भाई साहब यहाँ पे वीडियो बना रहा है पुलिस को लेना नहीं चाहिए क्योंकि जब पानी का घर बहुत ज़्यादा ना पुलिस को लेना ही नहीं चाहिए, तब क्या हो जाए कुछ बना सकते हैं। देखिए लक्ष्मण झूला से आज स्टार्ट हो चुके हैं, लोग आना जाना कर रहे हैं। अभी बता रहे थे कि कुछ दिन पहले जब बारिश हुआ 2-3 दिन पहले तो पानी का जो स्तर था ना यहाँ तक था पूरा, देखो वहाँ पे पानी भरा हुआ था और झूला नज़र आ रहा है। देखिए गाइस वहाँ पे भी पूल है और वहाँ पे भी पूल है। ये गरियाबंद के लिए जाएगा और ये मेरे को आइडिया नहीं कि कहाँ पे जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये है लक्ष्मण झूला और यहाँ पे देखो भीड़ भाड़ पूरा लगा हुआ है सांप को देखने के लिए। गाइस तो अभी मैं हूँ रांची में, रांची में यहाँ पे आप
आप देख सकते हैं पीछे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पे नाग सांप निकला हुआ है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसी को देखने के लिए लोग यहाँ पे भीड़ जमा किए हुए हैं। और अभी हम हैं नदी में, आप देख सकते हैं पीछे पानी भरा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कम है, अभी बदला रहे थे, 3-4 दिन जब पहले पानी गिरा हुआ था ना तो यहाँ पे पानी का स्तर मतलब बढ़ा हुआ था। अभी शायद कल परसों से कम होते होते यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और आज आप लोगों को दिखाने के लिए आए हुए हैं राजीव। ये देखें, पिछले टाइम जब आया हुआ था ना मेला के टाइमिंग में तो यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हुआ था, लेकिन अभी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप रायपुर का महादेव घाट अगर गए होंगे ना, ऐसे ही सेम बना हुआ है वहाँ। कभी नहीं गया हूँ ऊपर, एक दो बार जब गया हुआ था ना तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब कोरोना काल की वजह से बंद करके रखे हुए थे। ये देखिए यहाँ से कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और देखते हैं उस पर जाना होता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि नदी क्रॉस करना है, लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर है। ये गाइस ये देखिए ऊपर मस्त बना हुआ है, रोप के द्वारा यहाँ पे फंसा हुआ है। पूरे जितने भी एरिया में आपको दिखाई दे रहा है ना, पूरा रोप ही है, रोप के थ्रू यह फंसा हुआ है आपका। ये जो ब्रिज है ये लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं इसको। जितने भी जगह आप लोग घूमने भी गए होंगे ऐसे ही बना होगा नदी के आसपास में, वो सब लक्ष्मण झूला के नाम से ही जानते हैं। देखिए लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, और सामने में ही है शायद कुलेश्वर महादेव का मंदिर। तो हमारे वीडियो के माध्यम से अगर आपका आना होता है तो आप बिल्कुल यहाँ पे पहुँचिएगा, क्योंकि उस टाइमिंग में अगर आए होंगे जिस टाइमिंग में मेला वगैरह हो रहा था उसी टाइमिंग में तो ये स्टार्ट ही नहीं हुआ था, लेकिन इस टाइमिंग में मस्त स्टार्ट वगैरह हो गए हैं। कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे, तो आप भी आ सकते हैं, बढ़िया लग रहा है। चलते हैं आगे और आप लोग को दिखलाते हैं। और ये पूरा राजिम सिटी देख सकते हैं गाइस। तो अभी हम पहुंचने ही वाले हैं भगवान शिव जी के मंदिर के पास में। ये है कुलेश्वर महादेव का मंदिर। अभी सामान स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं दर्शन के लिए। और आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ यहाँ पे, सावन के महीने में लोग आते ही हैं दर्शन करने के लिए। हम भी दर्शन कर लेते हैं अगर मौका मिलता है तो गाइस चलिए चलते हैं मंदिर के पास में। और ये रहा, इस तरफ से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए सामने चप्पल निकालना पड़ेगा फिर अंदर चलते हैं। पिछले टाइमिंग में जब आया हुआ था ना तो यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं किया था, इस बार करते हैं कि नहीं करते हैं वो देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कुलेश्वर महादेव जी के पास में, और ये उनका ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। इधर है, आप देख सकते हैं नंदी बैल बना हुआ है। और ये रहा सामने नदी, वहीं के जस्ट सामने में ही है यह मंदिर।